जी ईद अज़हा की आमद आमद है और इस वक्त माशाल्लाह आवाम लगी हुई है कुर्बानी के लिए, जानवर लेने के लिए। और इस वक्त मैं पनिया में मौजूद हूँ, गांव पनिया में श्रीकोट रोड पे। और इधर हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है और माल मवेशी रखे हुए हैं कुर्बानी के लिए, और आवाम आ रही है और पसंद कर रही है माशाल्लाह, रेट भी मुनासिब है इनके। तो चलिए इंशाल्लाह आपको इनके जानवर चेक करवाते हैं जो इन्होंने रखे हुए हैं। चोटियाँ वगैरह रखी हुई हैं, भैंसें रखी हुई हैं बाहर, और बड़े तकड़े तकड़े जानवर इन्होंने रखे हुए हैं, और ये सारे कुर्बानी के लिए अवेलेबल हैं। आप आएँ, लाजमी इनको विज़िट करें माशाल्लाह। पनिया, गांव पनिया और श्रीकोट रोड पे। जिस वक्त आप पनिया माजर चौक को क्रॉस करेंगे तो आगे श्रीकोट रोड पे राइट साइड पे उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। चोटियाँ वगैरह इन्होंने बाहर बांधी हुई हैं, तो अंदर लेके चलते हैं आपको बेड़े वगैरह। और इधर बेड़े वगैरह रखे हुए हैं माशाल्लाह, बड़े ही ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत हैं, सही तकड़े जानवर। चले अंदर भी लेके चलते हैं आपको। मुख्तलिफ रेट के और साइज़ भी मुख्तलिफ हैं और वज़न के एतबार से भी। इंशाल्लाह आप एक बार विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह चीज़ पसंद आएगी। सौदा होना ना होना तो नसीब की बात होती है, लेकिन कुर्बानी पे हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ कुर्बान करे। आप लाजमी विज़िट करें, अगर आपको चीज़ पसंद आए तो ले लें, ना पसंद आए तो अल्लाह पाक और कहीं से आपका सबब बना देगा। अल्लाह पाक आप सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए, जो जो अहबाब इंशाल्लाह इस ईद पे कुर्बानी करेंगे अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। एक बार लाजमी विज़िट करें इंशाल्लाह, जो करीब दोस्त अहबाब हैं।